हेलो स्टूडेंट्स, रचना क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना। और अब बीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो फटाफट से बीपीएससी का रिवीजन के लिए बिहार स्पेशल रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे और कम ड्यूरेशन में रिवीजन करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, नो मोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। तो मैं 5 वीडियो सीरीज के थ्रू आपको पूरा बिहार का रिवीजन करा दूंगी, करंट अफेयर्स विद ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आज पूरा बिहार का परिवहन कर लेते हैं, जिसमें कि आता है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, दूरभाष, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो पांचों सेक्शन को मिला करके सिर्फ इस बार के लिए आपके लिए 20 से 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको आप बार बार पढ़ते हो और आपको याद हो जाता है, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में कुल नेशनल हाईवे टोटल कितने हैं? बिहार में टोटल नेशनल हाईवे की संख्या है 43। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे 27EW, ये है एक क्वेश्चन। और हो सकता है कि नेशनल हाईवे की लंबाई भी पूछे, तो 487 किलोमीटर है नेशनल हाईवे की लंबाई। सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 727A, जिसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। यानी नेशनल हाईवे से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बिहार में टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं? 43। बिहार की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? 27EW। और सबसे छोटी नेशनल हाईवे 727A। ठीक, अब आगे, सर्वाधिक राजमार्ग वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक राजमार्ग वाले टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं डीजीपी। कैसे है? तो दरभंगा, गया और पटना, इसका कोड आप लिख लीजिए, राजमार्ग से होकर के डीजीपी गए, तो दरभंगा, गया और पटना हो गए डीजीपी। आप इसका भी कोड बना सकते हैं 43 27 727, इसको एक साथ लिख लीजिए, तो क्रम में याद कर लीजिए 43 27 727। यानी टोटल संख्या बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बिहार राज्य पथ निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो जो ईयर वाले बेस डेज के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, आप उस साल में आपकी लाइफ में कोई घटना घटी तो उससे कनेक्ट करके, कोई अच्छी या बुरी कोई भी चीज घटी हो तो उससे 2009 में उससे कनेक्ट करके कि उसी रात साल बिहार राज्य में पथ विभाग निर्माण की स्थापना हुई 2009 में। ग्रामीण मार्ग का परसेंटेज कितना है बिहार में? तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है ना वो ग्रामीण मार्ग का परसेंटेज, सबसे पहला क्वेश्चन, और उसका परसेंटेज है 84.59। तो ऐसा कुछ इमेजिनेशन में कर लीजिए कि मैं बिहार में, ज्यादातर लोग गांव के पढ़े हुए हैं, तो मैं गांव से पढ़ा हूँ और गांव की सड़कों से होकर के निकलते हुए मैंने पढ़ाई की है, जिसकी लंबाई टोटल 84.59% है, ऐसा कुछ कोडिंग बना लीजिए। बिहार में सर्वप्रथम रेलवे की स्थापना कब हुई? बिहार में रेलवे की स्थापना हुई 1860 में। तो जब भारत में पहली रेलवे की स्थापना हुई उससे कुछ ईयर आगे बढ़ा करके आप याद कर लीजिए 1860। बिहार रेलवे का भारतीय रेल में भागीदारी का परसेंटेज कितना है? 5.6%, ओनली 5.6%। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर घनत्व तो रेलवे का कितना है बिहार में? 39.6, मतलब तो थोड़ा सा और बढ़ता तो 40% हो जाता, लेकिन पासिंग मार्क है बिहार का। जस्ट फॉर स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि बिहार जो है वो ऑलमोस्ट पासिंग मार्क के पास है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेलवे घनत्व है। भारतीय रेलवे में बिहार का स्थान कितना है, कितने नंबर पे है? तो भारतीय रेलवे में बिहार का स्थान है 8वें नंबर। तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7वां, तो 7वें दिन को हटा के 8वां दिन को काउंट कर लीजिए कि रेलवे जो है वो 8वें नंबर पे आता है। बिहार से गुजरने वाले टोटल कितने रेलवे जोन है? 5 रेलवे जोन। मेन तो आपको हाजीपुर याद रखना है, लेकिन टोटल जोन है वो 5 रेलवे जोन है। बिहार में जंक्शन टोटल कितने हैं? तो बिहार में 4 जंक्शन है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, PGMS, ठीक है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये 4 जंक्शन है। तो जब आपको पीजी करना था यानी, तो आप जंक्शन से गए, तो पीजी करने के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर गए। बिहार में रेल पुल टोटल कितने? बिहार में टोटल रेल पुल है 3, दीघा, मुंगेर और कोसी। ये जो लोग बिहार में रह रहे हैं उनको जरूर पता होगा, बिहार में जो रेल पुल है दीघा, मुंगेर और कोसी में, इसके लिए कोई कोड बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कोडिंग वही बनाई है ना जहाँ एक लंबी लिस्ट हो और आपको याद करना हो, जैसे टॉप 3 टॉप 5, तो ही कोडिंग बनाई। बहुत ज्यादा कोड बनाने से भी ना दिमाग में बहुत सारे मिक्सचर हो जाते हैं, तो सेलेक्टिव चीजों की कोडिंग बना करके याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एशिया का सबसे बड़ा पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ है जमालपुर में। विद्युत इंजन फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? बिहार में मधेपुरा में 2018 में। अब ये जो 15 क्वेश्चन है इसमें और भी ये जो इम्पोर्टेंट है और कुछ की मैंने आपको कोडिंग बता दी, कुछ की मैंने आपको बताया कोडिंग कैसे बनानी है। और अगर आपको बिहार की फ्री ऑफ कॉस्ट रोज नोटिफिकेशन चाहिए रिवीजन के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज, चाहे आपके नेगेटिव व्यूज हो पॉजिटिव व्यूज हो, मुझसे जरूर शेयर करिए। अपने क्वेश्चंस मुझसे शेयर करिए। एज अ टीचर मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट को क्लियर करने की। एक फिर से रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल नेशनल हाईवे 43, सबसे लंबा नेशनल हाईवे 27EW, सबसे छोटा नेशनल हाईवे 727A, सर्वाधिक राजमार्ग वाला जिला DGP, बिहार राज्य का पथ विभाग निर्माण लिमिटेड स्थापना 2009, ग्रामीण मार्ग का परसेंटेज जो कि आप ने ग्रामीण के थ्रू एजुकेशन प्राप्त की वो याद कर लेंगे 84.59। बिहार में सर्वप्रथम रेलवे 1860। बिहार रेलवे का भारतीय रेल में भागीदारी परसेंट 5.6%। प्रति हजार वर्ग किलोमीटर घनत्व रेलवे का कितना? 30.39.6। भारतीय रेलवे में बिहार का स्थान क्या होता है? 8वां। बिहार से गुजरने वाले रेलवे जोन कितने हैं? 5। बिहार में जंक्शन की संख्या कितनी है? 4। बिहार में रेलवे पुल कितने हैं? 3। एशिया का सबसे बड़ा पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर। विद्युत इंजन फैक्ट्री मधेपुरा 2018। पटना रेल मेट्रो का शिलान्यास कब हुआ? 17 फरवरी 2019, वैलेंटाइंस डे के कुछ दिन बाद। तो बिहार में राज्य जलमार्ग कितने हैं टोटल? 2। अब आप देख सकते हैं 5, 4, 3, 2 तक हम पहुंच गए। 5 क्या था? रेलवे जोन। 4 क्या था? जंक्शन। 3 है रेल पुल, ठीक है, और 2 है राज्य जलमार्ग, और एक ही हो गया मेट्रो। टेली गलत में बिहार का स्थान नीचे से दूसरे नंबर पे यानी बॉटम 2 में है बिहार। बिहार में ग्रामीण पोस्ट ऑफिस टोटल कितने? 9084। ये इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट का नाम है? तो पटना एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो ये 20 क्वेश्चन बिहार के परिवहन से रिलेटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको ढेर सारा अगर पढ़ने का मन है तो आप किताब से जरूर पढ़िए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रिविजन में आप ढेर सारा रिविजन मत करिए, बिल्कुल सेलेक्टिव रिविजन करिए, वरना सारा आपका पढ़ा लिखा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बेकार हो जाएगा। और मेरी क्लासेस से अगर पूरी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं, पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की हुई है करंट अफेयर्स की, प्री के टेस्ट सीरीज की, प्री की फटाफट रिवीजन की, आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।